Today we are going to start with chapter number 7, our community. In this chapter, we will study the places in our neighborhood, which places of worship and keeping the neighborhood clean. People who live near our houses called neighbours. The area around our house where the people live in their houses is called neighborhood. We should be polite and helpful to our neighbours. Polite or helpful neighbours.

In the bank, we take them out whenever we need them. Nowadays, neighborhoods have ATM. ATM is an automatic machine that allows people to take out money anytime. Loans are also given by bank. Bank क्या होता है? यह हमें essential service provide करता है. हम यहाँ पे अपने money को भी store करते रखते हैं, ठीक है? ठीक्या? और आपको ये ATM की facilities देता है, जिसे हम automatic machine कहते हैं. आप आपके neighbors में भी आपको मिल जाता है. आप कभी भी किसी भी time जाके वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं.

जॉगिंग करते हैं बात करते हैं जाके काम है पार्क में नाउ प्लेसिस ऑफ वर्शिप प्लेसेज ऑफ वर्शिप गॉड पीपल गो टू दीज प्लेसिप दे प्रे इन देर ओनली देखो सब लोग हैं अपने अपने तरीके से क्या करते हैं प्रे करते हैं जैसे हिंदू वर्शिप टेम्पल इट हैज आइडल्स ऑन डिफरेंट गॉर्ड एंड गॉड भागवदगीता इज वन ऑफ देअर होली बुक अगर भागवत गीता की बात करें तो इसकी क्या है होली बुक द क्रिस्टिप इन अ चर्च टू लॉर्ड जीजस और जो इनकी होली बुक होती है वो क्या होती है, है? मुस्लिम है? है? और जो इनकी होली बुक है वो क्या है कुरान दर्शिप इन गुरु देर होली बुक एस गुरु ग्रंथ साहिब और जो इनकी होली बुक है वो क्या है गुरु ग्रंथ All of us दूस children of God हर एक प्लेस ऑफ वर्शिप को रिस्पेक्ट करना है हम सब किसके बच्चे हैं गॉड द नेबरहुड क्लीन आर नेबरहुड इज लाइक अस कीबरहुड क्लीन बाय डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज इन अ गार्बेज नॉट लिटरिंग द सी वी शुड ऑलवेज मेक इट ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज वी मस्ट बी फ्रेंडली विद नेबर्स एंड हेल्प इन टाइम्स ऑफ नीड हमें अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए और जब हाँ उनको नीड हो हम उनकी हेल्प करनी चाहिए ठीक है प्लान करने चाहिए ट्रीज ने बस में जिससे वो बहुत क्लीन और ग्रीन रहे ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर थैंक यू